और चलिए बुलेटिन की शुरुआत मौसम की अपडेट के साथ करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर देखी जा रही है। सड़कें पानी से इस समय लबालब है। जल भराव से लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत एक तरफ है, तापमान में गिरावट है। मई महीने की शुरुआत आपको बता दें कि इस तरीके से गर्मी से होती है, लेकिन इस बार बारिश से कहीं ना कहीं मई महीने की शुरुआत हुई है। और ऐसे में एक बार फिर से आज पूरे दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसने करवट ली। एक बार फिर से तेज बारिश और हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर पूरे क्षेत्र के अंदर बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आशंका बारिश की है और तेज हवाओं की है, तो साफ तौर पर यहाँ पर आम समस्याएं भी लोगों के सामने है। तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश इस समय दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। सड़कें पानी से लबालब हैं, जल भराव की समस्या लोगों के सामने है और इसी के साथ ट्रैफिक जैम जैसी समस्या भी भारी बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के लोगों को उठानी पड़ रही। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा सोनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, फिलहाल क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट बदली है और इस बार एक बार फिर से जो बारिश है वो देखी जा रही है। क्या इस समय जो समस्याएं हैं वो आम लोगों के लिए भी बारिश से बनी हुई है? तो बता दूं कि इस समय जो बारिश हो रही है उसमें लोगों को बेहद राहत मिली है, क्योंकि पिछले बीते दिनों जो है गर्मी का माहौल चल रहा था, अभी दो तीन दिन से लगातार बारिश का माहौल बना हुआ था, बारिश हो रही है। आपको बता दूं कि जो रोहिणी इलाका है दिल्ली का, वहां पर ओले भी गिर रहे हैं और ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो ये टेम्परेचर है वो और थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि आज सारा दिन की बारिश जो है ये शाम तक की बारिश बता रखी है मौसम विभाग के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो इस समय भारी ट्रैफिक जैम की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ती है। जब कभी बारिश होती है इस तरीके की स्थिति तमाम सड़कों पर, चौक चौराहों पर हम देखते हैं पानी से लबालब सड़कें नजर आती है। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अभी तो यही माहौल बना हुआ है कि जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे रेंगती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो भी आ चुके हैं, वो जो गाड़ियां जो स्लो चल रही है ट्रैफिक को हटवाने का काम भी जारी है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बारिश हो रही है, जो बारिश का जो मौसम का मिजाज बदला है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पानी भरने का जो सिलसिला है वो भी लगातार चलता रहता है, जैसे अभी भी पानी भर चुका है और जो सड़कों पर जो जाम है वो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है कृष्णा, देखना होगा कब तक मौसम के हालात ये बने रहते हैं और इस बीच प्रशासन की तरफ से भी आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक किया जाता है।